सब्सक्राइब करिए मिस्टर टेकी को और बेल आइकन को दबाइए मेरी वीडियोस को देखने के लिए सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मिस्टर टेकी और एक और टेक वीडियो मैं अपने चैनल पर लेकर आया हूं। दोस्तों आज मैं कर रहा हूं गेमिंग रिव्यू। यहां पर है मेरे पास Xiaomi का Mi Max 2। सो अगेन दोस्तों, ये एक 6 इंच का फैबलेट डिवाइस है। यहां पर दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस मेरे हिसाब से काफी अच्छा होना चाहिए। सो राइट दोस्तों, इस फोन में मैं 3 गेम्स को खेलूंगा। GTA है, San Andreas, Modern Combat 5 एंड Asphalt 8। सो तीनों गेम्स को 10-10 मिनट तक खेलूंगा एंड मेन कंसंट्रेशन रहेगी कि क्या गेमिंग एक्सपीरियंस एकदम स्मूथ रहता है, बैटरी परसेंटेज कितनी ड्रॉप होती है और क्या कोई हीटिंग इश्यूज है या नहीं इस फोन में। सो फटाफट चलते हैं दोस्तों इस गेमिंग रिव्यू की तरफ और देखते हैं कि कैसा परफॉर्म करता है ये डिवाइस। तो फिलहाल दोस्तों मैं सबसे पहले स्टार्ट करूंगा Asphalt 8 से। अगर मैं सराउंडिंग टेम्परेचर्स की दोस्तों यहां पर बात करूं तो यहां पर 28 डिग्री सराउंडिंग टेम्परेचर है और अगर मैं फोन के ऊपर बात करूं दोस्तों तो फोन पे अभी 30 डिग्री टेम्परेचर है स्क्रीन की तरफ। और अगर दोस्तों मैं पीछे की तरफ यहां पर चेक करूं तो यहां मुझे मिलता है अगेन 30 डिग्री के आसपास का टेम्परेचर। सो राइट दोस्तों, फिर अब मैं स्टार्ट करता हूं Asphalt 8 से। स्टॉपवॉच को मैं स्टार्ट कर देता हूं एंड आई विल प्ले द Asphalt 8 नाउ फॉर 10 मिनट्स। सो राइट दोस्तों, जैसे कि यहाँ आप देख सकते हैं विजुअल सेटिंग्स हैं मैक्सिमम लेवल पर। सो राइट दोस्तों, गेमिंग एक्सपीरियंस पहले मोमेंट से ही काफी मजा आ रहा है खेलने में। यहाँ पर जो सबसे पहली चीज दोस्तों आपको जो नजर आती है गेम को खेलते वक्त, वो ये आती है कि 6 इंच की मैसिव स्क्रीन है और काफी मजा आ रहा है खेलने में। और दूसरी चीज दोस्तों जो सबसे पहले आप नोटिस करेंगे वो ये करेंगे कि इस फोन में जो स्पीकर आउटपुट है वो मुझे काफी ज्यादा लग रही है, क्योंकि यहाँ भी एक स्पीकर दिया हुआ है, यहाँ भी एक स्पीकर दिया हुआ है। सो गेमिंग एक्सपीरियंस इस चीज से काफी अच्छा हो जाता है। कोई गेमिंग में अभी तक मुझे लैग एक्सपीरियंस ऐसा कुछ नहीं हुआ है। श्योरली दोस्तों बहुत मजा आ रहा है गेम खेलने में। 6 इंच की ऊपर की ये स्क्रीन है एंड श्योरली मुझे बड़ी स्क्रीन में जब ऐसे गेम्स खेलने को मिलता है बहुत अच्छा लगता है यहाँ पर। ऑलराइट, सो एक राउंड हमने यहाँ पे दोस्तों कंप्लीट कर लिया है, अब खेलते हैं सेकेंड राउंड। सो राइट दोस्तों, इवन जब मैं गेम प्ले को सेट भी कर रहा हूँ यहाँ पर मुझे लैग देखने को नहीं मिल रहा है यहाँ पर दोस्तों। श्योरली साउंड काफी ज्यादा है, फ्रंट फायरिंग स्पीकर एंड यहाँ पर भी एक स्पीकर दे रखा है। सो ओवरऑल जो ऑडियो एक्सपीरियंस है गेम का काफी अच्छा है यहाँ पर। गेम के कलर काफी अच्छे लग रहे हैं मुझे यहाँ पर, एकदम नेचुरल फील आ रही है। मतलब जो ओरिजिनल कलर्स हैं बिल्कुल वैसे ही यहाँ पे परसीव हो रहे हैं स्क्रीन के ऊपर। कलर के सैचुरेशन की बात करूँ यहाँ पर काफी अच्छे कलर्स यहाँ पर मुझे फोन में देखने को मिल रहे हैं। डिस्प्ले काफी वाइब्रेंट है और ग्राफिक्स काफी अच्छे आ रहे हैं यहाँ पर। इवन हाई विजुअल क्वालिटी में भी गेम बिल्कुल लैग नहीं कर रही है यहाँ पर दोस्तों। जैसे कि आप देख सकते हैं रेक्स कितने स्मूथ होते हैं, जनरली रेक्स के टाइम पे ही हमें यहाँ पर एक तरह से एक लैग देखने को मिलता है, बट वो मुझे यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। राइट दोस्तों, सुपर स्मूथ गेमिंग एक्सपीरियंस यहाँ पर मुझे देखने को मिल रहा है। कोई लैग नहीं है, कोई डर्ट टेस्ट नहीं है, कोई फ्रेम ड्रॉप से मुझे अभी तक इस गेम में नहीं देखने को मिले हैं। राइट यहाँ पर दोस्तों अब चेक करते हैं स्टॉप वॉच को। सो राइट, मोर देन 10 मिनट्स हो गए मुझे गेमिंग एक्सपीरियंस में, इतना मजा आ गया कि 18 मिनट खेल लिया मैंने यहाँ पर। सो यहाँ पर दोस्तों आप बैटरी देख सकते हैं, सिर्फ 3% का ड्रॉप यहाँ पर देखने को मिला है और 18 मिनट हमने गेम यहाँ पर खेली है। सो चेक करते हैं यहाँ पर दोस्तों टेम्परेचर को। सो राइट ओके, यहाँ देखिए 9 डिग्री का टेम्परेचर आइस दोस्तों देखने को मिला है यहाँ पर, 30 से सीधा 39 डिग्री यहाँ पर हो गया है। और नीचे की तरफ दोस्तों अगर हम चेक करेंगे तो नीचे की तरफ टेम्परेचर 35 के आसपास है। इस एरिया में जनरली हर बार जो है फोन्स में टेम्परेचर राइज हो जाता है, क्योंकि शायद लॉजिक बोर्ड इसी तरफ होता है फोन में। और अगर हम दोस्तों पीछे की तरफ यहाँ पर टेम्परेचर को चेक करें, सो यहाँ थोड़ा सा 36 डिग्री का टेम्परेचर है पीछे की तरफ, और यहाँ दोस्तों अगेन 35 का टेम्परेचर
आपको देखने को मिल जाएगा। सो श्योरली दोस्तों 18 मिनट की गेम प्ले में यहाँ पर हमें लैग तो देखने को नहीं मिला, बट टेम्परेचर राइज जरूर हुआ है यहाँ पर फोन का। सो नेक्स्ट गेम दोस्तों मैं खेलता हूँ मॉडर्न कॉम्बैट 5, बैटरी परसेंटेज है 64%। सो राइट दोस्तों स्टॉपवॉच को मैं यहाँ स्टार्ट कर देता हूँ और हम स्टार्ट करते हैं मॉडर्न कॉम्बैट 5 से। Again, दोस्तों गेमिंग एक्सपीरियंस स्मूथ चल रहा है। सबसे बेस्ट बात दोस्तों मुझे ये लगी है इस फोन के स्पीकर आउटपुट की, एक सराउंड साउंड जैसी फीलिंग आती है जब आप ऐसी गेम्स को खेलते हैं। कोई फ्रेम ड्रॉप्स दोस्तों यहाँ मुझे देखने को नहीं मिल रहे हैं, काफी स्मूथ चल रही है गेम, कलर्स बिल्कुल परफेक्ट यहाँ पर आ रहे हैं, बहुत मजा आ रहा है गेम को खेलने में इतने बड़े स्क्रीन पे। राइट दोस्तों पहला राउंड कंप्लीट कर लिया है मैंने यहाँ पर, काफी मजा आया अगेन गेम को खेलने में। सेम गेमिंग एक्सपीरियंस मिला मैंने जब एस्फॉल्ट 8 को भी यहाँ पर खेला था और उसके बाद अब इस गेम को भी खेल रहा हूँ। गेम्स का लोडिंग टाइम भी काफी कम है यहाँ पर, और इवन जब आप यहाँ पर एक गेमिंग एक्सपीरियंस को सेटअप भी कर रहे होते हैं, जो ट्रांजिशंस होती हैं वो काफी स्मूथ हैं, वहां पर भी मुझे कोई भी लैग या कोई भी फ्रेम ड्रॉप्स देखने को नहीं मिल रहे हैं। राइट दोस्तों मिशन तो यहाँ फेल हो गया है, बट वॉच में देखें यहाँ पर राइट दोस्तों 10 मिनट से ज्यादा हो गए हैं मुझे खेलते वक्त। अगेन यहाँ पर मुझे करीब 3% का बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। सो राइट जैसे जैसे कंटिन्यूअसली गेमिंग में कर रहा हूँ, बैटरी परसेंटेज यहाँ पर जो है एक थोड़े से इंक्रीजिंग रेट पर डिक्रीज हो रहा है। एंड यहाँ दोस्तों अगर हम चेक करते हैं टेम्परेचर राइज को, तो 39 से हमने इसको खेलना शुरू किया था, अगेन यहाँ ये 39 पे ही रुक गया है। इस साइड पे राइट मुझे एक बार 40 जरूर देखने को मिला है, जी देखिए। एंड नीचे की तरफ दोस्तों यहाँ पर अगेन 34 टेम्परेचर है, और पीछे की तरफ दोस्तों देखें यहाँ पर कैमरा के आसपास अगेन 37, थोड़ा सा टेम्परेचर जरूर बढ़ा है, बहुत एक दो डिग्री का फर्क आया है, और नीचे की तरफ यहाँ पर आपको 35 के आसपास मिलेगा। सो 40 से ऊपर यहाँ पर दोस्तों मुझे टेम्परेचर नहीं देखने को मिल रहा है, इवन अगर आप इसमें कंटिन्यूअस गेमिंग करते हैं अब मतलब करीब करीब 20 मिनट से ज्यादा भी या 30 मिनट से ज्यादा भी। सो राइट दोस्तों अब मैं खेलूंगा GTA San Andreas। यहाँ पर दोस्तों काफी मेरे व्यूअर्स ने डिमांड करी थी कि जब भी आप गेमिंग एक्सपीरियंस बनाएं GTA को जरूर इंक्लूड करें, तो इस गेम को मैंने परचेज किया है गूगल प्ले अकाउंट से। सो अब मैं यहाँ पर इस गेम को खेलूंगा। सो यहाँ स्टॉप वॉच को स्टार्ट कर देते हैं और स्टार्ट करते हैं इस गेम। कुछ अजीब सी फ्लैशिंग हुई यहां पर अभी। ऑलराइट, सो यहां तो हम मर गए। गेम प्ले दोस्तों स्मूथ चल रहा है, मुझे कोई लैग तो नहीं लग रहा है गेम खेलते वक्त, बट यहाँ पर दोस्तों ये देखिए ये कुछ अजीब सी फ्लैशिंग हो रही है यहाँ पर इस गेम को खेलते वक्त, मैं रीजन नहीं जानता इसके पीछे, आप देख सकते हैं ये ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए फिर से हो रही है ये। So, यहाँ दोस्तों आप देख सकते हैं एक अजीब सा ये फ्लिकरिंग हो रही है स्क्रीन पर जब मैं इस गेम को खेल रहा हूँ, बट अदरवाइज यहाँ पर गेमिंग एक्सपीरियंस तो स्मूथ ही चल रहा है। ऑलराइट, सो देखते हैं दोस्तों अब कैसा रिस्पांस है यहाँ पर। अगेन 2% का ड्रॉप मिला है यहाँ लगभग दोस्तों मुझे 7 मिनट से ज़्यादा हो गए हैं इस गेम को खेलते वक्त, और अगर मैं यहाँ चेक करूँ टेम्परेचर राइज को, राइट सो आप देख सकते हैं उल्टा टेम्परेचर थोड़ा सा यहाँ पे डिक्रीज हुआ है। सो
पीछे की तरफ यहाँ पर दोस्तों चेक करें, सो अगेन 36-37। सो राइट दोस्तों, यहाँ पर हमने देखा कि जब हमने करीब करीब 35 मिनट का गेम प्ले रखा, सो यहाँ पर 10% से भी कम यहाँ पर हमें बैटरी ड्रॉप देखने को मिला है। और ओवरऑल इन दोनों गेम्स ने तो काफी अच्छा परफॉर्म किया। GTA में थोड़ी सी फ्लिकरिंग हो रही थी, सो आई डोंट नो द रीजन कि ऐसा क्यों हो रहा था, बट ओवरऑल गेमिंग एक्सपीरियंस के जो प्लस पॉइंट्स मुझे यहाँ पर सामने दिखे हैं, बड़ा डिस्प्ले है तो काफी ज्यादा अच्छा गेमिंग एक्सपीरियंस मिल रहा है। स्पीकर यहाँ भी दिया है, यहाँ भी दिया है, उसकी वजह से एक सराउंड साउंड जैसी फीलिंग आती है और एक काफी मजेदार एक्सपीरियंस बन जाता है ओवरऑल गेम का। एंड दूसरी चीज, यहाँ पर मुझे बहुत कम जो है इन दोनों गेम्स में तो बिल्कुल भी लैग देखने को नहीं मिला। यहाँ पर लैग नहीं, बट वो फ्लिकरिंग हो रही थी और मे बी मैं मान सकता हूँ शायद वो GPU की वजह से हो। सो ओवरऑल मैं देता हूँ इसको थम्स अप, बहुत अच्छा डिवाइस है विद रिस्पेक्ट टू द गेम्स, आप इस पे हैवी गेम्स को आराम से खेल सकते हैं। सो ये था दोस्तों गेमिंग रिव्यू Xiaomi Mi Max 2 का, बताइए कैसा लगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक बटन को क्लिक करिए, ऐसी और वीडियोस को देखने के लिए सब्सक्राइब करिए मेरे चैनल को। अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।